नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया। आज देश वीर साहिब जादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है, उनसे प्रेरणा ले रहा है। आजादी के अमृतकाल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। पिछले वर्ष देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया था। तब पूरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिबजादों की वीर गाथाओं को सुना था। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सुरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छाड़े खेत। माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं। इसलिए वीर बाल दिवस उन सच्चे वीरों के अप्रतिम शौर्य और उनको जन्म देने वाली माता के प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि है। आज मैं बाबा मोतीराम मेहरा, उनके परिवार की शहादत और दीवान टोडरमल की भक्ति को भी श्रद्धापूर्वक याद कर रहा हूं। हमारे गुरुओं के प्रति अगाध भक्ति, राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा जगाती है, ये उसकी मिसाल थे। मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। इस वर्ष अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के वीर साहबजादों को पूरी दुनिया
और ज्यादा जानेगी, उनके महान कर्तृत्व से सीखेगी। 300 साल पहले चमकौर और सरहिंद की लड़ाई में जो कुछ हुआ वो अमिट इतिहास है। ये इतिहास बेमिसाल है। उस इतिहास को हम भुला नहीं सकते, उसे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। जब अन्याय और अत्याचार का घोर अंधकार था, तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया। हम भारतीयों ने स्वाभिमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया। हर आयु के हमारे पूर्वजों ने तब सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने अपने लिए जीने के बजाय इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया। साथियों, जब तक हमने अपनी तो लखनऊ में वीरबाल दिवस के मौके पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। क्या कुछ कहा सीएम ने, आपको सुनाते हैं। साहबजादा दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास का एक ऐसा दिवस जो हर युवा को और हर बच्चे को एक नई प्रेरणा देता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों ने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जो महान बलिदान दिया, उस महान बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है। साहबजादाओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का दिवस है वीर बाल दिवस। मैं धन्यवाद दूंगा अपने लखनऊ के सिख बंधुओं को, जिन्होंने 2020 से इस बात के लिए लगातार प्रयास किया कि भारत के इतिहास के उन स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाले वीर साहबजादों के बलिदान को क्यों विस्मृत कर दिया गया, और उन्हें सम्मान देने के लिए जिस दिवस को बाल दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए, उसे वीर बाल दिवस का सम्मान न देकर के लोग उसको विस्मृत कर गए और बाल दिवस के रूप में कुछ और ही घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाने लग गया। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आदेश से गत वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता मिली, और आज हम सब यहां पर मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से पांचवें इस समारोह के अवसर पर एकत्र होकर के इस महान गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं।
अब याद करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। हम सब के लिए प्रश्न वही है, क्या सिख गुरुओं का बलिदान क्या व्यक्तिगत के लिए था, परिवार के लिए था? नहीं, इस देश के लिए था, इस धर्म के लिए था। गुरु नानक देव जी से जो परंपरा प्रारंभ हुई, वे एक संत थे, भक्ति में रमे हुए थे, अद्भुत सिद्धि थी, भक्ति का जागरण करते थे। लेकिन भक्ति में भी शक्ति होती है, निर्भीकता उनका गुण था, और बाबर को भी चुनौती देने का कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया था। सिख गुरुओं ने कभी चैन से बैठ करके अपने लिए स्वयं के लिए नहीं सोचा। अगर आप जाएंगे देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गुरु परंपरा ने अलग अलग परंपराओं की शुरुआत की। किसी सिख गुरु के द्वारा लंगर की परंपरा को अनिवार्य हिस्सा बनाने का कार्य किया गया, किसी ने सरोवरों के माध्यम से एक नई प्रेरणा प्रदान की, गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के अत्याचारों का डटकर के मुकाबला किया, और गुरु तेग बहादुर जी तो एक अद्भुत मिसाल थी। याद करिए, आज से सैकड़ों वर्ष पहले गुरु तेग बहादुर उस समय इस बात को लेकर के कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, और उस समय स्वयं का बलिदान दे करके कश्मीर पर होने वाले अत्याचारों को रोकने का कार्य गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने किया था। क्या हमें दुनिया के अंदर ये अद्भुत इतिहास देखने को मिलेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के और शहीद साहबजादों के पिता, यानी शहीद पिता के पुत्र हैं लेकिन चार चार शहीद साहबजादों के पिता भी हैं? ये कहीं दुनिया के इतिहास में कहीं देखने को मिलता है? और यह भी देश और धर्म के लिए। खालसा पंथ की स्थापना करते समय भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ही बात कही थी, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। भाइयों बहनों, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया देश है, एक नया संदेश है। सब कुछ गुरु ग्रंथ साहब में ही समाहित करते हुए उस दिव्य ज्योति ने हम सबके लिए एक नई प्रेरणा दी। परिश्रम और पुरुषार्थ से न भागना, देश और धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की एक ताकत अपने में समाहित करना, और गुरु कृपा से आज इसी का परिणाम है कि सिख जहां भी है अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से कुछ करके दिखाता है। ये जो कार्यक्रम है, यह गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक हम सबको एक अवसर होता है कि जिस गुरु परंपरा ने उस कालखंड में जब मुगल सल्तनत के सामने किसी की आवाज नहीं निकल पा रही थी, समाज विभाजित था, उस कालखंड में भी उन्होंने बिना किसी की परवाह के बगैर, चाहे वह भक्ति धर्म जागरण के माध्यम से भक्ति के संदेश को घर घर पहुंचाने का कार्य रहा हो, या फिर समाज में रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य, समाज को जोड़ने का कार्य,
या फिर देश के लिए बलिदान की एक श्रेष्ठ परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य, यह इस श्रेष्ठ परंपरा ने किया है और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। यह भारत का इतिहास है। कब भारत चुका है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुजार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह अपने आप को बलिदान करते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो मैंने कहा एक दिव्य ज्योति थे, दिव्य पुंज ज्योति पुंज थे, उन्होंने उस समय घोषणा कर दी थी कि मेरा काम हो गया, अब मुगल सल्तनत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आप देखते होंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियों के प्रति उनके प्रकाश पर्व पर वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में हम सब आज भी कल भी हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ा हुआ, इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है, पूरा देश जुड़ रहा है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में भागीदार बने। लेकिन मुगल सल्तनत की हुक्मरानों के घरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, पूरी वंश परंपरा स्वाहा हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने अत्याचार किए थे, उन्होंने शोषण किया था, उन्होंने उस समय जिस प्रकार की बर्बरता ढाई थी, उस बर्बरता के खिलाफ एक आवाज थी और दिव्य पुंज के रूप में, दिव्य शक्ति पुंज के रूप में, दिव्य ज्योति के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वह कार्य एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबको किया। भारत का इतिहास इस देश से बहुत समृद्धशाली है। और सचमुच जब मैं इन बच्चों को देखता हूं, हम लोगों को लगता है कि वास्तव में उस समय भी गुरु गोविंद सिंह जी के चार चार साहबजादे भी लोग लालच दे रहे हैं, औरंगजेब के सूबेदार उन्हें लालच दे रहे हैं, हर प्रकार का लालच दे रहे हैं, धमका रहे हैं, क्रूरता की हदों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन कोई अपने संकल्प से हटा नहीं। और यही तो भारत का इतिहास है। हमारी युवा पीढ़ी के सामने, हमारे स्कूली बच्चों के सामने इतिहास आना ही चाहिए। साहबजादा अजीत सिंह, बाबा जुजार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का, जिससे वर्तमान पीढ़ी देश और धर्म के लिए अपने आप को सदैव तैयार रहते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन करने के लिए सदैव अपने आप को तैयार कर सके। और इस मामले में बार बार इस बात को कहता हूं, महाभारत युद्ध में वीर अभिमन्यु की उम्र क्या थी? मात्र 16 वर्ष। लव और कुश की उम्र क्या थी? जब भगवान राम ने ताड़का का वध किया था तब भगवान राम की उम्र क्या थी? भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तब कृष्ण की उम्र क्या थी? ध्रुव एक लंबा इतिहास है। और वीर बाल दिवस के अवसर नोएडा की थाना सेक्टर 63 पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। गांजा तस्कर की पहचान किशन प्रजापति उर्फ कृष्णा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कुशीनगर जिले के गांव देवरिया का रहने वाला है। पुलिस ने पुस्ता रोड चौटपुर कॉलोनी से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की थाना फेज 2 पुलिस ने चोरी के मोबाइल को खोजकर मोबाइल मालिक को लौटाया है। आज थाना फेज 2 क्षेत्र में एक उपेंद्र नाम के युवक ने चौकी भंगेल पर आकर मोबाइल के लापता होने की सूचना दी थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना फेज 2 पुलिस ने मोबाइल को सर्विलांस के माध्यम से खोज निकाला। मोबाइल
मालिक ने इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन का आभार जताया है। तो वही देश में कोरोना वायरस के JN.1 वेरिएंट मिलने का क्रम जारी है। रविवार तक इस वेरिएंट के 63 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 34 मामले गोवा में पाए गए हैं, महाराष्ट्र में 9, कर्नाटक में 8, केरल में 6, तमिलनाडु में 4 और तेलंगाना में 2 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 628 नए मामले सामने आए। इससे सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4054 हो गई है। केरल में पिछले 24 घंटे की अवधि में एक मरीज की मौत हो गई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत में वैज्ञानिक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा था कि भले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और देश में जेन वेरिएंट का पता चला है, लेकिन फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। संक्रमित लोगों में से 92% लोग घर में रहकर ही उपचार का विकल्प चुन रहे हैं, जिससे पता चलता है कि नए वेरिएंट के लक्षण हल्के हैं। उन्होंने कहा था कि अस्पताल में भर्ती होने की दर में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। ये रेस्पेक्टेड ब्रिजमोहन साहब, मैं साधना चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता से आग्रह भी करना चाहूँगा और एक संदेश भी देना चाहूँगा कि जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का और धीरे 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 पूरे देश के अंदर इसकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। कोरोना कहीं नहीं गया था, कोरोना ही आसपास था। वो अलग अलग रूप में, अलग अलग वेरिएंट में हमारे सामने आ रहा है। वही सिम्टम्स है, वही गले में खराश होना, वही खांसी होना, वही फीवर होना, सांस फूलना, ये वही जो पहले सिम्टम्स थे वही सेम सिम्टम्स हैं और सेम कंडीशंस हैं। और इसका जो वायरस है वो भी गले के थ्रू ही जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहा है और धीरे 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 हमारे जो लंग्स है उनको प्रभावित करता है और निमोनाइटिस और वही सब चीज़ें आ रही हैं। यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये वायरस बहुत तीव्रता के साथ में फैलेगा और लोगों को जो है इन्फेक्टेड करेगा और जिससे बीमारी फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन कुछ सावधानियां हैं, जैसे गवर्नमेंट ने भी पहले भी कई बार प्रतिबंध लगाए और कई बार सुझाव भी दिए, हम लोग भी कई बार एडवाइज करते हैं कि वो सार्वजनिक स्थानों पे ना थूके, सार्वजनिक स्थानों पे अननेसेसरी ना जाए, अननेसेसरी भीड़ इकट्ठी ना हो, मास्क का यूज़ करे, प्रॉपरली हैंड वॉश करते रहे, सैनिटाइजेशन करते रहें। कुछ छोटी छोटी सावधानी है, खुद से दवाई ना लेकर के कई बार हम लोग गूगल पे जा कर के दवाइयाँ खरीद लेते हैं और खुद से मेडिसिंस ले लेते हैं। तो वही वंदे भारत ट्रेन के बाद जल्द ही गैर वातानुकूलित अमृत भारत ट्रेन पटरी पर उतरने वाली है। ये दरभंगा से अयोध्या होकर आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसकी रेक का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि पुश पुल तकनीक से बनी इन ट्रेनों को जल्द ही प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सभी राज्यों में अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है। हर महीने 20 से 30 ट्रेन तैयार होंगी। इसका परीक्षण सफल रहा है। पटरी पर उतरने के बाद अगले 5 महीने इसकी तकनीकी पहलुओं की निगरानी की जाएगी, जिससे जरूरत के अनुसार उसमें सुधार हो सके। अगर बात करें इस ट्रेन की विशेषता की तो पुश पुल तकनीक वाली ट्रेन में 2 इंजन होते हैं। आगे का इंजन ट्रेन को खींचने का काम करता है तो वहीं पीछे का इंजन ट्रेन को धक्का देता है, जिससे कि इसकी गति बढ़ सके। रेल मंत्री ने कहा कि सामान्य ट्रेन को रोकने और चलाने के बाद गति पकड़ने में समय लगता है। इस तकनीक पर आधारित ट्रेन जल्द गति पकड़ने के साथ कम समय में रुक जाती है। इसमें यात्रियों को झटके नहीं लगेंगे।
बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।